हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट जैसी मलाई चाप। इसको बनाने के लिए हमने चाप ले ली है। चाप को हमने एकदम गरम तेल में हाई फ्लेम में फ्राई करना है। थोड़ी देर बाद हमें फ्लेम लो कर देनी है और इसे अच्छे से पकने देना है ताकि अंदर से इसकी लेयर्स खुल सके। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे। हमने बोल में चाप ली है और इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद हम इसे दोबारा मैरिनेट करेंगे और इसमें हमने हंकर डाला है और 4 चम्मच काजू पेस्ट और 4 चम्मच मलाई डाली है। उसके बाद हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है, थोड़ा सा नमक, काले मिर्च, इलायची पाउडर और कसूरी मेथी डाली है। फिर हमने इसमें थोड़ी सी प्रोसेस चीज़ डाली है, ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप डालें। फिर उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसमें फिर हम शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको भी मिक्स करेंगे और फिर लगभग 20 मिनट के लिए इसे रख देंगे। फिर हमने एक दिया लिया है, उसमें गरम कोयला डाला है, ऊपर से घी डाला है, इसको स्मोक देने के लिए और ढक के 10 मिनट के लिए रख दिया है। 10 मिनट हो चुके हैं, स्मोक बन चुकी है। अब हमने एक पैन में ऑयल डाला है और उसमें चाप को डालेंगे। चाप डालने के बाद उसे अच्छी तरह से एक साइड सिकने देंगे, फिर दूसरी साइड को पलटेंगे। चाप हमारी अच्छी तरह से सिक जानी चाहिए। हमारी चाप सिक चुकी है। अब हम इन्हें बाउल में निकालते हैं, उसमें फिर मक्खन डालेंगे और थोड़ी सी मलाई डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, हमारी चाप बनकर बिल्कुल तैयार है।